हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज एक हम नया वीडियो लेके आया। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे, नया मोल्ड है। जो मोल्ड एक्चुअली बाहर का मोल्ड है, ऑटोमोबाइल मोल्ड है। तो इसका हम पहले कंपोनेंट देखते हैं, जिसकी कंपोनेंट है, फिर उसके बाद मैं आपको सारा जो मोल्ड है इसके बारे में बता दूंगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे कॉम्पोनेंट, तो ये मेरा सबसे पहला जो है कॉम्पोनेंट है। तो आप देख पाओगे ये फिंडर है, बेसिकली ऑटोमोबाइल मोल्ड में लगता है ना फिंडर। तो ये है, ये देख पाओगे, ये जो मेटल है ये पीपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल जो है पीपी में है, ये कोड है जिस कंपनी के लिए बना रहा है उसका कुछ कोड है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो कंपोनेंट जो है ऐसा है कि पीपी में आपको पता है हल्का सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जो मैक्सिमम जो वाम्पर वगैरह होती है वो पीपी वगैरह का ही बनता है, और कुछ कुछ कंपोनेंट जो होता है एबीएस के बनता है। तो यहाँ पे जो आपका फिंडर होता है ये पीपी में बनता है हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी चीज़ें जो होती है, हम यहाँ पे देखते हैं आपके कंपोनेंट में इनसाइड मोल्डिंग लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा जो है इनसाइड मोल्डिंग है, तो ये देख पाओगे ये इनसाइड है। तो आपको जो ये कंपोनेंट है इसमें आपको ये भी मिलने वाला है कि हम कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट में इनसाइड मोल्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो आपका ऑटोमोबाइल मिल जाएगा, फिर आपको इसमें इनसाइड मोल्डिंग मिल जाएंगे। तो थर्ड होता है ये जो मेरा कॉम्पोनेंट है इसकी साइज़ क्या है, थिकनेस क्या है, ठीक है। तो हम पहले साइज़ और थिकनेस देखते हैं। तो मेरा जो कंपोनेंट है इसकी जो साइज़ वगैरह आएंगे, तो इसको आपको मैं साइज़ वगैरह के बाद दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, ऐसे नहीं, मेरे पास लगभग 200 ऑटोमोबाइल पार्ट की मोल्ड पड़ा हुआ है। तो आपको मैं यहाँ पे साइज़ वगैरह दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे साइज़ देख पाओगे कितना आ रहा है मेरा साइज़ यहाँ पे, एक बार मैं आपको माप के दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। 599, मतलब आपका लगभग 600 का आपका साइज़ आ रहा है, ठीक है। और जो ये आपका हॉरिजॉन्टली है ये आपको 260 का आ रहा है। तो ये पॉइंटों में आ रही है, तो इसको हम जो एक्यूरेट आपको ले लेंगे साइज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंकेस ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंटों में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 177 mm का जो है प्लस स्ट्रिंकेस के साथ आ रहा है, ठीक है, ये हाइट में आ गया। तो उसके बाद जो हम इसकी देखते हैं थिकनेस क्या है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का थिकनेस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थिकनेस में आपकी सारा जो है इसमें सिंग मार्क वगैरह का जो भी प्रॉब्लम आती है, तो हम थिकनेस में देखते हैं, ठीक है। तो थिकनेस जो है आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, मेरा कंपोनेंट की थिकनेस है, जो जो मेन सरफेस होता है यहाँ पे थिकनेस जो होती है ना, ओवरऑल थिकनेस जो रहता है यहाँ पे 3 mm का होता है, 3.3 सिंकेज का है, आप देख पाओगे। तो अराउंड जो है 3 mm का आपका सिंकेज है, क्योंकि हम पीपी में जो है 1.015 मारते हैं सिंकेज, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे यहाँ पे जो कंपोनेंट है। इसके बाद जो मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे अंडर कट क्या है, ठीक है। तो कंपोनेंट के हम अंडर कट देखते हैं, मेरा कंपोनेंट में क्या अंडर कट है। तो हम पहले कंपोनेंट के अंडर कट एनालाइज करने से पहले कंपोनेंट अलाइन होना चाहिए। कंपोनेंट कैसे देखोगे कि अलाइन है या नहीं है, कंपोनेंट की मोल्डिंग डायरेक्शन कैसा है। तो मोस्ट ऑफ द केस आपको कंपोनेंट को अलाइन करने के लिए इसकी जो ओपनिंग डायरेक्शन होता है ना, वो आपको ओपनिंग डायरेक्शन देखना होता है। कभी कभी आपको जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये जो होल्स वगैरह आप देख पा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे होल्स वगैरह होता है, ये कभी कभी आपको ठोका दे देगा, क्योंकि उसी की डायरेक्शन के हिसाब से मोल्डिंग नहीं होता है। तो आपको पहले देखना है इसकी रिब्स वगैरह को देखना है, होल्स वगैरह को देखना है। अगर आपकी होल्स अलाइन नहीं है तो आपको रिब्स देखना होता है। तो उस तरीके से इसकी हम जो है इसकी पोजिशनिंग करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मेरा कंपोनेंट अलाइन है, मैं आपको एक बार ड्राफ्ट एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ। और ये जो डीमोल्डिंग जो मेरा डायरेक्शन है यहाँ पे, मैं इस तरीके से जैसे मैं जिसके लिए पार्टी के लिए बना रहा हूँ, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद DFM वगैरह सारा चीज़ें दिखा दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे सारा चीज़ें यहाँ पे बना हुआ है। तो उसके बाद जो है कंपोनेंट को हम एनालिसिस करेंगे, मेरा कंपोनेंट कहाँ पॉजिटिव में है, कहाँ निगेटिव है, कहाँ स्लाइडर चलेंगे, कहाँ लिफ्टर चलेंगे, पूरी कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम जो कंपोनेंट है इसकी हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे। तो ड्राफ्ट एनालिसिस में क्या होती है, अलग अलग तरीका होता है इसकी एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इस तरीके से जाके इसकी ड्राफ्ट एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस जो है मेरा मेटल जो है किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है, या पुलिंग डायरेक्शन, मतलब आपकी किस डायरेक्शन में आपकी ओपनिंग होंगे, वो डायरेक्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ जो पोजीशन है इसको मैं लाऊंगा सेंटर पे, उसके बाद जो डायरेक्शन जो है यहाँ पे इस तरीके से मैं इसकी जो ओपनिंग डायरेक्शन है उसको लेके ओके कर दूंगा। यहाँ पे ओके करने के बाद क्या मिलेंगे आपको, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस में मेटल को आपको लेना पड़ेगा, कस्टमाइज शेडिंग मटेरियल, ओके, डायरेक्शन देना है आपको, डायरेक्शन मेरा फ्लैट जो एरिया होगा उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो कंपोनेंट है दो शेडिंग में दो कलर पे आ जाएंगे। जो ऊपर वाला कलर है ये मेरे कैविटी में जाएंगे, और नीचे वाला कलर जो है ये मेरे कोर में आएंगे। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कलर में आएंगे जो हाईलाइटेड है,
ठीक है, इसको ना कोर में आएंगे ना कैविटी में आएंगे। जैसे यहाँ पे आप कोने में देख पाओगे, देखो यहाँ पे कुछ कोर है कुछ कैविटी है, तो ये तो आपकी मोल्डिंग के हिसाब से होगा नहीं, ठीक है। इसको आपको मोल्डिंग की डायरेक्शन में आपको बनाना पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तो यहाँ पे इसको हम उसके बाद जो देखेंगे कि ये जो एरिया है ना कोर में आ रही है ना कैविटी में आ रही है, तो उस केस में उसको हम स्लाइडर या लिफ्टर में ले जाएंगे। अब आपको देखना है ये मेरा फिसिबिलिटी के हिसाब से स्लाइडर में जाएंगे या लिफ्टर में जाएंगे, ठीक है। ये भी एक तरीके से आप रेड कलर में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक तरीके से ये अंडरकट है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे घुमा के दिखूंगा ना, तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्या है, ब्लू भी है और यहाँ पे क्या है, ग्रीन भी है। तो दो कलर में आपको क्या आएंगे यहाँ पे, मतलब अंडरकट है। तो यहाँ पे भी आपको स्लाइडर लिफ्टर जो है इसको ले जाना पड़ेगा। अब मुझे ये कंपोनेंट एलाइन के हिसाब से इसको डिसाइड करूँगा कि मैं स्लाइडर पे ले जाऊँगा या मैं इसको लिफ्टर पे ले जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैं देख लूँगा कि मेरा कंपोनेंट स्लाइडर पे जा रहा है या लिफ्टर पे जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम और देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ स्लाइडर है कहाँ कहाँ स्लाइडर नहीं है, तो आपको एक पता लग गया इस एरिया में आपको स्लाइडर आने वाला है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको स्लाइडर आने वाला है। और जो है आपको एक ये वाला एरिया में आपका आएंगे, ऑब्वियसली इस साइड में स्लाइडर है तो ऑब्वियसली उस साइड में आपको स्लाइडर आएंगे आएंगे, ठीक है। तो ऊपर का जो आप देख पा रहे हो ये वाला एरिया में आपको स्लाइडर आने वाला है, तो ये वाले एरिया में जो है स्लाइडर आने वाला है आपकी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, हाँ ये वाला एरिया में भी आपको आने वाला है। तो ये जो है पहले हम कंपोनेंट को आपको दिखा दिया, यहाँ पे जो है आपको देख पा रहे हो यहाँ पे भी आप इंसर्ट मोल्डिंग है, तो ये वाले एरिया में हम जो है अंडर स्लाइडर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर स्लाइडर लगाना पड़ेगा। अब अंडर स्लाइडर क्या है ये आपको सीखने वाली बात है। अब ऑटोमोबाइल मॉल में आपको अंडर स्लाइडर का मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपको समझने वाली बात है कहाँ पर मैं कौन सी स्लाइडर लेने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी बात देखो यहाँ पे भी आपको लिफ्टर आएंगे, देख पाओगे यहाँ पे ये स्लाइडर चलना तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो इस एरिया में आपको लिफ्टर चलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिफ्टर होता है, जैसे यहाँ पे दो मैंने लिफ्टर आपको दिखा रखा हो, तो यहाँ पे जो लिफ्टर होगा उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, क्योंकि यह जो लिफ्टर होती है बड़ा लिफ्टर होती है। आपको पार्ट का साइज मैंने आपको दिखा रहा है 600 का पार्ट का, 600 mm का पार्ट का साइज है। तो यहाँ पे लिफ्टर को प्रॉपर तरीके से रेस्टिंग वगैरह चाहिए, प्रॉपर तरीके से बाटिंग चाहिए, तो इसकी लिफ्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे लिफ्टर को भी सिखाऊंगा मैं आगे आपको कैसे लिफ्टर बनाना है, लिफ्टर में आपको क्या क्या चीज़ें आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक बार आपको नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ, अगर मैं इसकी आपको एक बार लिफ्टर दिखा देता हूँ, मैं इसकी एक बार आपको मैं लिफ्टर पे ले आता हूँ, ये बहुत सारे असेंबली भी बनाए हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर लिफ्टर जो होती है ना, यहाँ पर आप देखो अलग अलग से जैसे मैं यहाँ पर बना रखा हूँ, देख पा रहे हो आप, तो ये लिफ्टर जो है ना आप इस तरीके थोड़ा अलग टाइप का लिफ्टर है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसका थोड़ा अलग स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड में आपको सिखाऊंगा ये जो लिफ्टर है, ठीक है। यहाँ पे भी जो नीचे का जो मैं यहाँ पे ये ब्लॉक बना रखा हूँ, ये जो ब्लॉक है ये भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये इसको भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, इसका भी स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड मैं आपको आगे बताऊँगा जब मैं इसकी मोल बनाऊँगा, ठीक है। तो और बाकी अगर बात करते हैं हमको स्लाइडर की बात करते हैं, तो आपको मैं स्लाइडर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आया कुछ एंगल लिफ्टर वगैरह का, ये आप देखो स्लाइडर है ये जो है ना आपका, ये आप देख पा रहे हो इस तरीके से पिन से चलाना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं पिन से या पिन से अगर इसको मैं नहीं चलाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा पार्ट में जो है आपकी इसकी स्लाइडर का जो एज होती है ना, जो स्लाइडर का आपकी बाउंड्री होती है वो आपको शो होंगे। तो यहाँ पे आपको स्लाइडर इस तरीके से पिन से चलाना पड़ेगा। वो पिन से भी चलाऊंगा ना तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्प्रिंग, आपने नहीं देखा होगा ऑटोमोबाइल मॉल में, आपको इसी तरीके से स्लाइडर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी स्लाइडर जो है थोड़ा स्टैंडर्ड में बनाया है, ऐसा नहीं है कि लोकल हिसाब से बनाए, प्रॉपर तरीके से इसको बनाए हमने, ये जो है पूरा केस आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर स्लाइडर के बारे में। देखो अंडर स्लाइडर आपने नहीं देखा होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर स्लाइडर। कहाँ से लग रही है, नीचे से लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम अंडर स्लाइडर, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉपर गाइड हो रखा है कैसे चलेंगे, ये बहुत सीखने वाली चीज़ है। इस तरीके से आप चीज़ें बनाओगे इन फ्यूचर के लिए, कहीं पर भी जाओगे इंटरव्यू के लिए या कहीं पर भी आप किसी काम पर करते हो तो फंसोगे नहीं। अंडर स्लाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी जो है मोल्ड है, इस तरीके से ये टिपिकल मोल्ड है। पहले इसको जो एनालिसिस करते हो ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट की एनालिसिस करेंगे, कंपोनेंट में क्या है, क्या क्या चीज़ें, हम पार्टिंग कैसे लेंगे, कहाँ पे लेना पड़ेगा, कभी कभी पार्टिंग के ऊपर पार्टिंग बनाना पड़ता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे। तो सारा चीज़ें जो है मैं पहले इसमें आपको पार्ट की फिसिबिलिटी बनाएंगे, उसके बाद इसकी पार्टिंग बनाऊंगा, उसके बाद जो है मोल्ड बेस जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें चाहिए सारा मैं स्टैंडर्ड में बनाऊंगा। एक एक कंपोनेंट जो है यहाँ पे हम स्टैंडर्ड में बनाएंगे और स्टैंडर्ड में लिखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे तो और बहुत ही मज़ा आने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह चूज करते रहता हूँ और ये कंपोनेंट करा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये कंपोनेंट जो है ऑलरेडी एक बैच ने स्टूडेंट ने सिलेक्ट कर रखा है। आप भी अपना कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हो, अपना मैं आपको 10 कंपोनेंट दे दूँगा, 15 कंपोनेंट दूँगा, 20 कंपोनेंट दे दूँगा, आप ऑटोमोबाइल कंपोनेंट कोई भी सिलेक्ट कर लो, उसके ऊपर आपको जो है मोल्ड डिजाइन मैं सिखाऊंगा, कंप्लीट मोल्ड डिजाइन मिलेंगे, A to Z कैलकुलेशन थ्योरी नोट PDF सब कुछ चीज़ें आपको मिलेंगे। और ये जो है मैन्युफैक्चर मोल्ड है, ठीक है, ऐसा मोल्ड नहीं है, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर मोल्ड है।
तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। नीचे नंबर मेंशन है, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है आप नीचे नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो।